क्या आपका भी CTR लो हो गया है और आपका थंबनेल पर कोई भी क्लिक नहीं करता है, तो आप ऐसा थंबनेल बना सकते हैं क्लिकेबल कि जिससे आपका वीडियो बहुत सारे लोग देखें। और मैं टेक्निकल योगी की तरह आपको थंबनेल बनना सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा थंबनेल बहुत लोगों को पसंद है और ये बहुत लोग लाइक करते हैं। तो ऐसा थंबनेल बनाने से आपका वीडियो जरूर वायरल होगा, बहुत सारे लोग आपको वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। थंबनेल से तो आपके गारंटेड व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा या फिर व्यूज नहीं आ रहे, तो आई बटन में वीडियो दे रखा है, यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, वहाँ पर डस्टबिन है, यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद इन 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कस्टम का जो एक कुछ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे जो थर्ड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेप्स पर जाएंगे। शेप को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जिसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर कलर पर जाना है, इसे इनेबल करना है, ग्रेडेड पर जाना है। और ये देखिए मैंने कलर बना रखा है, आपको बनाना है तो आप यहाँ पर प्लस पर जाना है और कुछ इस तरीके से इसे बनाना है। तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी और ये टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर ऑपेसिटी पर जाएंगे और इसे कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसे क्रॉप करेंगे इस साइड से, जिसे मैं कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से कुछ इसे सेट कर लेना है। अभी हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे इस लेयर पर और इसे हम अभी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से शेप पर जाएंगे, ऐसा शेप बना लेंगे हम एक। इस शेप को हम जैसे बना लेते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट पर जाएंगे और हम कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे और राइट कर देंगे। जैसे राइट करेंगे हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ऐसा सेट कर देते हैं जैसे मैंने किया है। फिर से इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम प्लस पर जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे। आपको जो भी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा, मैं टेक्निकल यूजी की ही सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से इसे हम सेव कर देंगे, इसे भी हम लॉक कर देंगे और इसके बाद आपका जो भी टाइटल है इस वाइट रेशियो पर आपको उसे लिख देना है। और हम जैसे ही प्लस पर जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, तो जैसे यूट्यूब है हम इसे भी यहाँ पर सेव करने वाले हैं। इसे किस तरीके से हमें सेट करना है वो भी आपको बता देता हूँ। फिर हम जाएंगे प्लस आइकन पर, फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से हम ये जो टेम्पलेट है इसे सिलेक्ट करेंगे। इसकी ऑपेसिटी को हम कम करेंगे और राइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिस पेंसिल पर जाएंगे ऊपर और यहाँ पर इसे दोबारा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इसे दो हम कुछ इस तरीके से इन्हें सेट कर लेते हैं और इसे सेट करने के बाद हम इसे भी लॉक कर देंगे जिसे अभी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद यूट्यूब को सिलेक्ट करेंगे और इस पर ले जाएंगे। YouTube को हमें यहाँ पर जाकर फ्रंट कर देना है, टू फ्रंट नीचे, और हम YouTube को थोड़ा सा घुमाने वाले तो हम नीचे ही यहाँ पर जाएंगे पर्सपेक्टिव पर। यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर इसे इनेबल करना है और ये देखिए YouTube का जैसे फेस हम घुमा रहे हैं ये घूम रहा है। यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और YouTube की हम फिर से एक कॉपी ले लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से फिर से हमें इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जिसे मैं अभी कर रहा हूँ। इसे सेट करेंगे, इसे भी फिर से लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने के बाद जैसे ही हमें हमारा टाइटल लिखना है, हम जाएंगे यहाँ पर नीचे ये लिखा है इसका, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट जैसे लिखना है हमें थंबनेल कैसे बनाए, इसे थंबनेल मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ पर जाऊँगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसका फॉन्ट जो है आपको क्रिएट कर लेना है, जिसे अभी मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ ये कैसे करना है। थंबनेल लिख दिया मैंने, अभी हम फिर से एक नया टेक्स्ट लेंगे, इस पर लिखेंगे कैसे बनाए, जैसे ये मैंने ले लिया। इसको भी मैं उसी जो सेटिंग की थी पिछले और को वही इसको करनी है, जाना है फॉन्ट पर, वही फॉन्ट सेलेक्ट करना है, ओके करना है, स्टाइल में जाना है, सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, राइट पर क्लिक करना है और इसी तरीके से हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।